हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया न्यू फैशन ट्रेंड। आई होप यू लोटिंग वेल। सो गाइस, आज मैं आपको मीशो कलेक्शन दिखाने वाली हूँ जो मैंने मीशो से परचेज की है साड़ी। सो गाइस, मैंने इसका ब्लाउज भी स्टिच करवा लिया है ताकि आपको एक परफेक्ट लुक दिखा सकूँ। तो मैंने सोचा कि पहले स्टिच करवा लेती हूँ ब्लाउज को, इसके बाद मैं रिव्यू करूँगी इस साड़ी का। सो गाइस, ये साड़ी एक टाइम बहुत ट्रेंडिंग में थी इस टाइप की साड़ी मीशो में, तो मैंने भी परचेज किया है। तो आप लोग को मैंने यहाँ पर कितनी प्राइस के है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया था उसका पिक, तो आप लोग देख सकते हैं कितने प्राइस का और कितनी कम प्राइस में है। तो ये साड़ी जॉर्जेट का है जो कि बहुत ही अच्छी फैब्रिक में है और इसकी लेंथ तो बहुत ही है। अगर आप 5, 5, 6, 7 का भी हैं, अगर 5 तो आराम से आपको ये साड़ी हो जाएगी। और इसकी फैब्रिक तो बहुत अच्छी है। अगर आपकी हाइट 5, 6 या 7 भी है तो आराम से आपको हो जाएगी। बहुत मतलब बहुत इसकी लेंथ है, लंबी है, तो आराम से आपको आराम से आप वेयर कर सकते हैं इसको। सो गाइस, और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। सो गाइस, आप लोग जल्दी से मेरा 1K कर दो ताकि मैं होल वीडियो आप लोग के लाऊं एक से एक क्लोथिंग का। तो आप प्लीज़ इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। सो गाइस, आज का जो वीडियो है तो आप प्लीज़ इसको फुल वॉच कीजिएगा एंड तक। एंड आज मैं आपको ऑनेस्टली रिव्यू करूँगी कि सही में ये साड़ी कैसी है, क्योंकि एक टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी तो मैंने यहाँ पे साड़ी दिखा दी थी, तो नेक्स्ट मैं ब्लाउज यहाँ पर स्टिच करवा ली हूँ। तो गाइस, इस टाइप का ये सीक्वेंस वाला ब्लाउज है, तो अगर आप इसको नाइट में अगर आप वेयर कर रहे हो तो आपको एक बहुत ही प्यारा लुक मिलेगा। नाइट अगर पार्टी में आप जा रहे हो तो आपको बहुत पार्टी के लिए तो बहुत अच्छी है ये साड़ी है। आप अगर नाइट में जा रहे हो तो वेयर कर सकते हैं आराम से, बहुत एक प्यारी लुक मिलेगी आपको। बहुत हटकर सीक्वेंस के वजह से पार्टी में बहुत ही अच्छा है एक लुक मिलती है ब्लाउज़ का। तो गाइज, मैंने आज बोली थी कि मैं फेक रिव्यू नहीं करूँगा साड़ी का, तो गाइज थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम है साड़ी में कि इसकी ब्लाउज है जो कि सीक्वेंस का है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा चुभन होती है और बाजू में, तो इसके वजह से सीक्वेंस की वजह से स्क्रेच भी आ जाती है बाजू में, बहुत ज़्यादा चुभन होती है। तो इसमें सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है, ओवरऑल बहुत अच्छी है साड़ी। सो गाइज, अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं।